लड़ाई में जुट गई है। इसी क्रम में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल ने रविंद्र सिंह पटेल को आरजेडी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। आज हमारे साथ कुछ ही देर में फोन कॉल पे बात करने के लिए होंगे रविंद्र सिंह पटेल जी। उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं रविंद्र सिंह पटेल की राजनीतिक सफर पर। रविंद्र सिंह पटेल ने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक चेतना रखते हुए स्थानीय केबी कॉलेज से छात्र राजनीति के चुनाव से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। पटेल आरएलडी के युवा जिला संयोजक, प्रदेश सचिव, मंडल प्रभारी विद्यांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रभारी पूर्वांचल और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं और अब उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़ चुके हैं रविंद्र सिंह पटेल जी। तो सबसे पहले सवाल यही करूंगी कि सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव का जो अभी उपचुनाव हुआ है कैराना का, उसमें हमारी पार्टी ने गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती तबस्सुम बेगम जी को उतारा था और हमने चुनाव में जीत हासिल किया। और हमारी पार्टी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रही है। इसी क्रम में हम लोगों को संगठन में आगे बढ़ाया गया है। अभी तक मैं युवा राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष था, अब मैं इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी है कि पार्टी से युवाओं को जोड़ करके और हम अपना मजबूत संगठन खड़ा करें। लेकिन पार्टी की ये भी नियति है कि हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें अगर समान विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। ये हमारी पार्टी का है, मुद्दा है। लेकिन अभी ये बहुत प्रारंभिक लेवल पे है, इसलिए इसको अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जाती है और आपकी पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ अपनी रुख कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहां से भ्रम हुआ कि हमारी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है या क्या है? हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी फैजाबाद जिले के सुहावल विधानसभा से थे, मैं स्वयं मिर्जापुर जिले के चुनाव विधानसभा से हूँ और जब भी मौका मिला है पार्टी ने पूरा पश्चिम का भेद मिटा करके अपने लोगों को, काबिल लोगों को आगे किया है। अब ये जरूर है कि हमारी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार मिलता है, वहाँ किसानवाद है, वहाँ हमारी पार्टी, हाँ, उसकी वजह से एक मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमारी पार्टी प्रदेश के पुनर्गठन के मुद्दे पे संकल्पित है और वो प्रदेश का पुनर्गठन करना चाहती है। तो सर, ये जी बताइए, प्रदेश का पुनर्गठन होगा तो प्रदेश को अगर हम चार भागों में बांट लेंगे तो पूरा मध्य, क्योंकि हमारे पार्टी का मान्यता है कि उत्तर प्रदेश 75 जिले 18 मंडल का एक बहुत बड़ा, अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो देश विश्व का छठवां बड़ा देश हो सकता है जी। तो इसको अगर हम तीन भागों या चार भागों में बाइफर्केट कर देते हैं तो जब प्रशासनिक इकाइयां छोटी होंगी तो काम करने में सुविधा होगी। आप देखिए, आप जो छोटे प्रदेश हैं वो सफल है, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, आप देख लीजिए हरियाणा, देख लीजिए पंजाब, देख लीजिए, विकास के रास्ते ज्यादा सक्सेस हैं। तो हमारी पार्टी की मान्यता है कि अगर प्रदेश का पुनर्गठन होता है तो हम उसके लिए प्रयासरत भी हैं। सर, आरएलडी ने जो आपको, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो फिर मैं ये कह सकता हूँ फौरी तौर पर कि हमारे नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, माननीय जयंत चौधरी जी ने हम पे जो विश्वास प्रकट किया है और जो भरोसा जताया है, क्योंकि जब मुझे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, मैं इस पार्टी में वर्ष 2002 से हूँ और मेरी शुरुआत मैंने वर्ष 2002 में जिला संयोजक मिर्जापुर के तौर पर युवा लोकदल के तौर पर किया था। उसके बाद फिर मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया, मंडल प्रभारी बनाया गया, फिर पूर्वांचल का अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश का पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया और फिर 2015 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और 2015 से लेकर 2017 विधानसभा चुनाव तक हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया और उसी काम का ही परिणाम कह लीजिए आप, रिजल्ट है कि मुझे आज राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है
और राष्ट्रीय का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूरे देश से दो ही उपाध्यक्ष हैं, एक मैं हूँ और दूसरे हमारे साथी हैं रघुराज सिंह जी जो राजस्थान से हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी है अभी तो ये कह सकता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश पे हमारी पकड़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 75 जिले 18 मंडल और 4 जोन जो हमारी पार्टी कहती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश, इससे हमारी हमारा काम रहा है, यहाँ के लोगों से हमारी पकड़ है, तो यहाँ तक काम किया है। अब राष्ट्रीय कमेटी में जिम्मेदारी बढ़ी है, ये इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि पार्टी का जनाधार चौधरी चरण सिंह के जमाने से अब जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन हम लोग मानी जैन चौधरी के नेतृत्व में काम करके पार्टी को फिर से नई बुलंदियों पर ले जाएंगे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप खुद एक युवा हैं, तो युवाओं को साथ जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी की है। जी सर, युवा ये देश पूरा भावनाओं से चलता है। हमारे देश के नौजवानों, हमारे परिवार में संस्कार दिया गया कि आप पढ़ लिख लोगे तो आपको रोजगार मिल जाएगा। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, कुछ शिक्षा लिया और शिक्षा के बाद स्थिति ये रही कि आज हम बेरोजगारी के मार पे हैं और बेरोजगारी के मार पे खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाओं में कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। ये दुर्भाग्य या सौभाग्य जो व्यवस्थाएं थी उसको भी छिन्न भिन्न करते हुए आज अगर आप देखें तो उस आंकड़े जिससे उन्होंने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, 4.5 साल बीत चुके हैं, 4 साल 10 करोड़ के लगभग तो यही बेरोजगार हो गए और पहले भी बेरोजगारी के आंकड़े थे। तो सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार की समुचित व्यवस्था हो, उसके लिए चौधरी चरण सिंह जी हमेशा कहा करते थे कि जब तक देश का खेत किसान में काम करने वाला किसान खुशहाल नहीं होगा, उसके बच्चे खुशहाल नहीं होंगे और कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की स्थापना करके युवाओं को गांव में ही रोजगार से जोड़ा जाए। और हम भी, हमारी पार्टी भी मानती है कि गांव में ही युवाओं को रोजगार मिल जाए तो शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। अब देखिए, हमारी पार्टी छोटी है लेकिन विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कहाँ से कर पाते हैं। यही मुद्दा होगा, उनके दुख उनके दर्द से हम जोड़ेंगे अपने नाते को। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह पटेल जी, जो हाल ही में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अलाइव 24।